हाँ भाई नौजवानों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डाउटनेट लाइव में। तेरे अपने पास जेई के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया जेई के बारे में बताओ 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 बताओ। तो जैसा कि अपन ने प्रॉमिस किया था पिछले संडे को कि भैया अपन वीडियोज़ लेकर आएंगे, जेई के बारे में बताएंगे और चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे एक एक करके। तो जो पहला टॉपिक मैंने उठाया वो बताया जेई एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि यार जेई के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन आज की क्लास में। हाँ भाई सभी लोग आ जाओ जल्दी से फटाक फटाक से, फिर अपन करते हैं शुरू। तो यार जैसा कि सबसे पहले अपन जानेंगे इस सेशन में कि यार जेई होता क्या है, उसके बाद अपन जानेंगे कि यार ये जेई का एग्जाम कौन कौन दे सकता है, और फिर अपन जानेंगे कि जेई के एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो यार करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, और कार्यक्रम की शुरुआत अपन किसके साथ करते हैं, क्या है जेई। हाँ भाई बताओ फटाक फटाक से क्या है जेई। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि जेई क्या है। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। पहले ये वाला एग्जाम जो था वो सीबीएसई करवाती थी, और अभी ये एनटीए करवाने लगा है 2019, है ना। तो ये क्या करवाता है, द्वारा पूरे देश में नेशनल लेवल की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है। अब भाई ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्या होती है कि भाई आपको अगर इंजीनियरिंग करनी है ना, और अच्छे कॉलेज से करनी है, तो उसके लिए ये वाला पेपर देना बहुत ही जरूरी है। तो अच्छा कॉलेज क्या होता है भाई, अच्छे कॉलेज यार आपको पता ही होगा, IITs, NITs, उसके बाद IIITs, और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं। सारे अच्छे कॉलेज एडमिशन लेते हैं किससे, ये जो जेई नाम की बीमारी है इससे। खैर बीमारी कहना गलत है, ये काफी लोगों का जीवन सुधार देती है ना। तो भाई इसके लिए आपको जेई का एग्जाम देना जरूरी है। हाँ ठीक है साहब देखते हैं। उसके बाद क्या है, क्या टारगेट है इस एग्जाम का वो भी देख लेते हैं। एडमिशन इन स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कि भाई आपके राज्य में बहुत सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होते होंगे, और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो अच्छे अच्छे वो इससे ही लेते हैं, और NITs, IITs और IIITs। ये सब NIT काफ़ी सारे बच्चे नहीं जानते, IIT हो सकता है जानते हो, IIIT भी नहीं जानते, थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे टॉप पर आता है IIT, ये यहाँ है कि भाई आपको बीटेक करना तो IIT से कर लो, जिंदगी सफल है। तो सबसे टॉप पे IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद दूसरे नंबर पे अपने पास आते हैं NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। ये भी हर एक राज्य में एक ही होता है भाई, एक ही कॉलेज का नाम है पूरे राज्य में, वो है NIT। और उसके बाद IIITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ IT और कंप्यूटर साइंस के कोर्स करवाते हैं। तो ये अपने पास है ना, तो ये अपने पास। हाँ कुछ अच्छे कॉलेज हैं जो अलग एग्जाम भी करवाते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेज हैं इंडिया के, वो सारे इस जेई के एग्जाम से ही अपने पास एडमिशन लेते हैं ना। जेई के एग्जाम को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है जेई मेंस, एक होता है जेई एडवांस। अब भैया जी ये मेंस क्या है, तो दो एग्जाम होते हैं बेटा। पहले 10 लाख के करीब बच्चे जेई मेंस के एग्जाम देते हैं, और उनमें से गवर्नमेंट 2 लाख के आसपास बच्चों को छाट के जेई एडवांस के एग्जाम में बिठाती है। दोनों के फायदे क्या है साहब, जेई मेंस आप करोगे तो आपको NIT मिलेगा, और जेई एडवांस करोगे तो आपको IIT मिलेगा। लेकिन एडवांस के पेपर देने के लिए जेई मेंस ही अपने पास कुंजी है। तो आज की क्लास में हम बता रहे हैं किसके बारे में, जेई मेंस के बारे में, ठीक है साहब। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, हाँ ये एक और बहुत जरूरी बात है कि लगातार 3 वर्षों तक जेई मेंस में भाग ले सकता है। 3 वर्षों तक, कब कब, एक 12वीं के साथ, 12वीं के जस्ट बाद, और उससे 1 साल बाद। अब 3 वर्षों तक क्यों लेना भैया, हम तो एक बार में क्लियर कर लेंगे सर। तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, कर लो। अगर मान लो किसी वजह से आप एग्जाम टाइम में बीमार हो जाते हो या कुछ हो जाता है, नहीं कर पाते हो, तो आप अगले साल फिर से दे सकते हो। अगर उस साल भी नहीं कर पाए तो 1 साल और मौका है। तो 3 चांस है अपने पास, आप दे सकते हो, है ना भाई साहब, क्लियर है। और पिछले साल से 2020 से ये जो भाई साहब परीक्षा है, ये 1 साल में 4 बार होती है। 1 साल में 4 बार, मतलब आपके पास कुल 12 बार पेपर देने का मौका है। इतनी बार में तो यार कोई से बेकार एग्जाम हो उसको भी पास कर लूंगा मैं, है कि नहीं। तो ये भाई अपने पास जेई के बारे में। अब थोड़ा देख लेते हैं जेई मेंस कौन कौन दे सकता है भाई, हमें ये जानना भी तो जरूरी है, हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। हाँ एग्जाम के बारे में जानने तो आगे, लेकिन उसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते उसके लिए अपन देख लेते हैं। हाँ भाई 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से पास करने वाला छात्र, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आपके पास है तो जय माता दी चल जाओ एग्जाम देने, है ना।
पहले गवर्नमेंट का रूल था कि भाई 75% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, सब हटा दिया। अभी आपको सिर्फ पास करना है ये वाला एग्जाम और आप जेई में जा सकते हो, ठीक है साहब। वह छात्र जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो भाई अभी जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं वो इस साल पेपर दे सकते हैं, है ना, और जिसने 12वीं पास कर रखी है वो भी दे सकते हैं, पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ होना चाहिए, कहीं पता चले तुम कॉमर्स लेके और चल जाओ जेई मेंस देना है कि नहीं। तो ये मेरे पास है, ये 3 पॉइंट है, 11वीं तथा 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से पास करने वाला, कहीं पता चले आपने 11वीं कॉमर्स से करी और 12वीं साइंस से करी है तो नहीं दे पाओगे, 11th 12th दोनों, समझ रहे हो बात को, चलो बहुत ही बढ़िया। अब अपन देख लेते हैं कि यार एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। भाई कोई भी चीज करने से पहले मेरे को पता तो होना चाहिए ना उसके बारे में कि यार मैं उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मान लो तुम पेपर देने गए, तुम्हें यही नहीं पता कितने सवाल आएंगे, कैसे पता चलेगा, ना, तो वो अपन आज की क्लास में बताएंगे। आज भी किसी बच्चे ने पूछा था मेरे को लाइव सेशन में कि सर कितने प्रश्न आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, अभी बताते हैं साहब। हाँ भाई साहब, सबसे पहली बात, जेई मेंस की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन मतलब आपको घर से नहीं देनी है, आपको एक सेंटर अलॉट होगा, उस सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे बैठ के देनी है, टिक 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 बाजी, है ना। इसमें क्या क्या देना, देखें इस एग्जाम में कुल 90 प्रश्न होते हैं, पर 90 करने नहीं होते बेटा, 90 प्रश्न होते हैं प्रत्येक विषय के, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के 30-30 प्रश्न होते हैं, तो आपको 30-30-30 प्रश्न मिलेंगे, उनका बंटवारा अपन कर लेते हैं। हाँ देखे साहब, पहले 20 सवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, कि भाई एक सवाल उसके चार जवाब, चार ऑप्शन मिलेंगे, उन चार में से एक को टिक करना है आपको, है ना, और हर एक सवाल के चार ऑप्शन होते हैं जिनमें से एक सेलेक्ट करना होता है, एक ही सत्य है उनमें से, समझ रहे हो बात को, चार ऑप्शन मिल रहे हैं उनमें से सिर्फ एक सत्य है, चलो बहुत ही बढ़िया यार। फिर अपने पास है प्रत्येक गलत आंसर का, अब एक सवाल चार नंबर का होता है ये सुन लो भाई, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपका एक नंबर कट जाएगा, जो आपने पिछला सवाल सही किया था ना उसमें से भी एक नंबर ले लेंगे वो, कि दे दो भाई दे दो, तुमने जो लिया था उसके काबिल नहीं हो तुम, दे वापस दो नंबर, ठीक है यार कोई नहीं चलता है, तो अपने को गलत नहीं करना है, जहां आपने गलत किया वहीं आपने अपने नंबर कम कर लिए, तो गलत नहीं करना, इन 20 में से गलत नहीं करना है ना, 1/4 नंबर काटा जाता है, मतलब चार नंबर का प्रश्न है तो एक नंबर ले भाई, जय माता दी, यानी गलत आंसर की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसको नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं, नेगेटिव समझते हैं ना, जो नंबर तुमने स्कोर किए थे उनमें से भी कट गया। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं तो तुक्का मार के ही पास हो जाऊंगा, ना जी ना, संभव ही ना है, तो आपको तुक्का नहीं मारना है। फिर जो अगले 10 सवाल होते हैं, 30 में से जो अगले 10 सवाल होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप सवाल होते हैं। अब ये क्या भाई, ये तो हमने सुना ही नहीं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में मान लो आपका आंसर आया 2.33, तो वो आपको भरना है 2.33, उसके बाद का नहीं भरना है, मतलब पॉइंट से पहले जो होगा और पॉइंट के बाद दो तक का, क्लियर है। तो ये मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का आंसर है, और इनमें से 5 ही करने होते हैं बेटा, ये 10 के 10 नहीं करके गवर्नमेंट ने रिलेक्शन दे दिया कि भाई तुम इनमें से 5 ही कर लो, और अगर आपने 5 से ज्यादा किए तो आपके पहले 5 कैलकुलेट कर लिए जाएंगे, तो सोच समझ के करना है कि ये 5 ही करने जो मेरे को आते हैं पक्का, ऐसा नहीं है कि इनमें 10 पे 10 करके आ जाओगे तुम्हें 40 नंबर मिल जाएंगे, इधर 20 ही नंबर है प्रत्येक सब्जेक्ट के, समझ गए, चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या है अपने पास, कुल 300 अंकों का पेपर होगा भाई, 20% इधर है प्रत्येक सब्जेक्ट में, 20 × 80 और 5, 10% इधर है, उनमें से 5 करने, 5 × 20 100 नंबर का होगा एक सब्जेक्ट का, तो टोटल 3 सब्जेक्ट का कितने का हो गया बेटा, टोटल 3 सब्जेक्ट का हो गया 300 नंबर का। उसके बाद परीक्षा का जो मोड होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर आधारित, पेपर एक और पेपर दो होते हैं। अब ये पेपर एक और पेपर दो क्या है, अगर आपको बीटेक करना है तो आपको पेपर एक देना है जो कि कंप्यूटर पे होता है, पेपर दो जो होता है वो आर्किटेक्चर करने के लिए होता है, आर्किटेक्चर समझते हो, आपके शहर में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी ना वो एक आर्किटेक्चर ने डिजाइन करी होगी कि भाई तुम ऐसी बनाओ ऐसी बनाओ वो बनाओ, वो सारा आर्किटेक्चर करते हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चों का उसमें भी इंटरेस्ट हो तो वो भी दे सकते हैं, क्लियर है साहब, एनी डाउट, चलो बहुत ही बढ़िया। और परीक्षा की अवधि 3 घंटे, ये भी बहुत जरूरी है कि ये जो आपको 75 सवाल करने हैं, 90 में से कितने करने हैं, इन 90 में से आपको 75 ही करने हैं, तो मैं तो ऐसे देखता हूँ कि भैया अपने को 75 सवाल करने हैं, कितने, 3 घंटे, 3 घंटे मतलब 180 मिनट, तो एक सवाल का लगा लो कितने हो गए साहब,
तो भाई कम से कम 2 मिनट तो एक सवाल का मिल ही रहा है, तो अपने आप को इतना स्पीड अप करना है कि 2 मिनट में कितना ही बड़ा सवाल हो उसको मैं हल करके रख दूं, समझ रहे हो? चलो बहुत ही बढ़िया, ये अपने पास सारा एग्जाम का पैटर्न रखा है, ठीक है साहब, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इधर? तो ये मेरे पास जेई एग्जाम का पैटर्न था, काफी बच्चे पूछ रहे थे, बार बार क्लास में नहीं पूछेंगे, जिसको भी पूछना है उसको ये वीडियो दिखा देंगे, ठीक है साहब? चलो बहुत ही बढ़िया यार। अब बोर्ड और जेई में क्या अंतर है भाई? भाई बोर्ड तो सबको देना ही है, बिना बोर्ड के तो जेई नहीं दे सकते। तो बोर्ड और जेई में सिर्फ इतना सा अंतर है, यहाँ सब्जेक्टिव पेपर आता है, यहाँ पे आपको लिख के आना पड़ता है, यहाँ पे आपको आंसर विस्तार से बताना कि हाँ भैया ये 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 मैं ये समझता हूँ, ये करता हूँ। इधर आपको क्या देना है? उत्तर से मतलब है, यहाँ लिख देता हूँ, उत्तर से मतलब है। तो बोर्ड के एग्जाम में और जेई के एग्जाम में यही अंतर है। थोड़ा बहुत लेवल का भी समझ सकते हैं कि हाँ भाई उसमें थोड़ा मतलब ज्यादा अच्छा सोचना पड़ता है इधर जेई में, बोर्ड में आपको पता है कि भाई यही सवाल आने वाले हैं, ठीक है साहब, क्लियर है? ये अपने पास बोर्ड और जेई में अंतर है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। यहां हमें आंसर से मतलब है, तुमने कैसे निकाला है, क्या निकाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? हाँ भाई एक बढ़िया सवाल पूछा है एक लड़के ने कि जेई मेंस में शिफ्ट का क्या मतलब है। बेटा ऐसा होता है जैसे एक दिन में ना 2 बार एग्जाम होता है, एक सुबह की शिफ्ट होती है, एक शाम की शिफ्ट होती है, एक 9 से 12 होती है और एक 2 से 5 होती है। तो उसमें से आपको वो अलॉट करते हैं, जैसे आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद वो आपको अलॉट करते हैं कि भाई आपका एग्जाम 8 तारीख को इस शिफ्ट में है। एक्चुअली होता क्या है कि ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबका एक दिन करवाना पॉसिबल नहीं है, तो 3-4 दिन में होता है, हालांकि पेपर सबका अलग अलग आता है, ऐसा नहीं है। तो वो 3-4 दिन के अंदर में आपको शिफ्ट अलॉट होती है कि भाई 8 तारीख को आपका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में, मतलब 2 बजे से, ठीक है, क्लियर है? हाँ ये बहुत बच्चों का सवाल होता है। चलो कुछ कुछ बच्चों के डाउट्स ले लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। ये क्या कह रहा है, 12th में हूँ पर अभी तक कोई भी तैयारी नहीं करी है, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े प्लीज। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, इनको बताओ यार, अपने यहाँ पे डेली क्लासेस चल रही है, 60 दिन का कोर्स लॉन्च कर रखा है अपन ने जेई हिंदी मीडियम पे, तो आप आओ और तैयारी करो, पीछे वाले लेक्चर देख के आओ और कल से आओ क्लास में। सुबह अपनी 8 बजे होती है फिजिक्स की क्लास, फिर अपनी 12:30 बजे होती है मैथ्स की क्लास और 5:30 बजे होती है केमिस्ट्री की क्लास, डेली आओ और देखो। अच्छा इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भाई, अपन ने एक ले लिया है तो क्या कह रहे हैं अपन जेई मेंस में अच्छे मार्क्स क्या है, 300 नंबर का पेपर है। हाँ भाई किस किस को लगता है कि कौन अच्छे मार्क्स हो गए, 300 में से अच्छे मार्क्स किसको मानते हो आप? भैया ये बोर्ड जैसा नहीं है कि आपको 90% लेके आना है, यहां पे अगर आपने 175 नंबर ले आए तो आपको 20,000 के अंदर में रैंक मिल जाएगा, 2020 का आंकड़ा है, 20,000 के अंदर में आपको बढ़िया NIT मिलेगा एकदम फर्स्ट क्लास। और अगर मान लो आप 200 नंबर लेके आ गए या 250 नंबर लेके आ गए, इसकी तो भाई इसकी तो बात ही क्या करनी, 250 पे तो आपको सबसे टॉप का NIT मिल जाएगा। तो मैं तो नहीं कह रहा कि भैया तुम कितना लेके आओ, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि यार इतना तो लेके आ ही सकते हो, 175 ज्यादा है क्या, हर एक सब्जेक्ट में 60-60 नंबर लाना ज्यादा है ही नहीं भाई। आपको कितने सवाल सही कर रहे हैं, 25 में से 15 तो भी आप एक बढ़िया कॉलेज में मस्त बीटेक कर रहे होंगे, ठीक है साहब, क्लियर है? तो भी आप एक बढ़िया कॉलेज में मस्त बीटेक कर रहे होंगे अगर आप 175 नंबर लेके आ गए तो। और अगर भाई सपने बड़े रखने हैं तो अच्छी बात है, और बढ़िया सपने रखोगे तो वो तो और भी बढ़िया बात है। हाँ भाई एक और है, ठीक है, हाँ भाई तुम्हारे लिए भी अलग प्रबंध है, टेंशन मत लो। इधर अपने पास एक फ्री का कोर्स चालू किया है 60 दिन का, जो कि कितने 3 तारीख से शुरू है, 3 जनवरी से, उसकी क्लासेज 9 क्लासेज हो गई अभी तक, तो वो क्लासेज देख के आ सकते हो आप कल से क्लास में, कोई टेंशन है नहीं, है ना, सारी क्लासेज मिल जाएगी आपको ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी। तो भैया ये नंबर है अच्छे, 250 नंबर तो तोड़े, अगर आप 175 भी लेके आते हो तो आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, है ना, क्लियर है साहब? अब करना कैसे है इसके लिए बता दे कि कैसे करना है, हाँ लेट्स डू दिस टुगेदर, साथ में करना है, हमारे साथ मिलके करना है। आप क्लास देखिए, मेहनत करिए, सवाल करिए, और कंटेंट की गारंटी डाउटनेट की है, डाउटनेट आपको सब देगा, बस आपको सिंसियरली क्लासेस देखनी है सारी, और जो भी क्लासेस जो भी टीचर बोले वो आपको करने का है। टीचर बोले बेटा एक भी सवाल नहीं करना मत करो, टीचर बोले आपको आज 100 सवाल करने तो करके आओ पूरे,
क्लियर है साहब? अगर किसी का अभी भी डाउट बचा है तो भैया वो वीडियो वापस से देख लेना। कुछ बच्चे अभी पूछ रहे हैं कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, भाई बता तो दिया 300 नंबर का पेपर होता है, ठीक है साहब? तो मेरे ख्याल से जितने भी एग्जाम पैटर्न के बारे में, जेईई मेंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में जितने भी डाउट्स थे वो सारे बच्चों के हो गए होंगे क्लियर, ठीक है? हाँ, एक बच्चे ने जबरदस्त सवाल पूछा है कि भैया सिलेबस बता दीजिए, लेके आते हैं बेटा किसी दिन। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है, सैटरडे शाम को 8 बजे, सैटरडे मतलब शनिवार की शाम को 8 बजे विक्रम सर क्लास लेने आएंगे। कोई भी अगर उनका फैन है तो शाम को 8 बजे मिले, शनिवार की रात, शनिवार की रात विक्रम सर के साथ, है ना? तो मेरे ख्याल से जेई मेंस के बारे में जो भी आपका मानना था, अवधारणाएं थी, जो नहीं पता था वो सब पता चल गया होगा। अब पता लग गया, आगे की वीडियोस के लिए भी अपन आप बने रहिए जेई मेंस हिंदी के साथ। डाउट नट जेई हिंदी मीडियम चैनल सब्सक्राइब कर लो सभी लोग, अपने दोस्तों को भी करवा लो, और अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दो जिससे आपके दोस्त भी देख पाए, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करना ना भूले अगर आपका कोई और भी डाउट है, उस पर अपन वीडियो बना देंगे, है ना? चलो भाई लोगों, शुभ रात्रि।